अगर आते हैं तो यहाँ भी ज़रूर विजिट करें। फिलहाल हम आगे जा रहे हैं जहाँ पे भगवान महावीर का जन्म हुआ था, उनके जन्मस्थली पे जा रहे हैं अभी हम दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, अभी मैं कुंडलपुर गांव आ चुका हूँ। ये बिहार के नालंदा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है दोस्तों। यहीं पे भगवान महावीर जी का जन्म हुआ था और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये नालंदा का जो खंडहर है उससे मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो कभी भी आप नालंदा आते हैं तो यहाँ पे मस्ट आप विजिट ज़रूर करिए। फ्रेंड्स, अगर आपको धर्म से और इतिहास से प्यार है तो एक बार आप नालंदा ज़रूर आएँ। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐतिहासिक जगह देखने का मौका मिलेगा दोस्तों, बहुत ही ऐतिहासिक जगह है। सत्य अहिंसा के अवतार कुंडलपुर के राजकुमार। दोस्तों, जैसे कि आपने लाइन पढ़ा, ये भगवान महावीर की जन्मस्थली है, तो यहीं के वो राजकुमार थे, इसीलिए लाइन यहाँ पे बताया लिखा गया है दोस्तों। इस गांव के राजकुमार, सत्य और अहिंसा के अवतार। चलिए अंदर मंदिर में चलते हैं और उनकी जन्मस्थली देखते हैं दोस्तों। अभी हम कुंडलपुर आ चुके हैं, यहीं पे भगवान महावीर जी का जन्म हुआ था। जैसे ही हम अंदर एंटर करते हैं, यहीं बगल में हमें चप्पल पे सबसे पहले उतारना होता है, क्योंकि ये पूरा स्थल बहुत ही पवित्र माना जाता है दोस्तों, और है भी, माना क्या जाता है, पवित्र है ही। इसके लिए हमें चप्पल उतार के फिर इसके अंदर आना है दोस्तों। और ये देखिए, सामने ही बहुत ही सुंदर भगवान महावीर जी का मंदिर बनाया हुआ है, जो कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार थे दोस्तों। बहुत ही विशाल प्रांगण देखो यहाँ पे बनाया हुआ है। ये सब भी हम बाद में देखेंगे, पहले चलते हैं भगवान महावीर जी की मूर्ति का दर्शन लेते हैं। चलिए, यहीं पे कुंडल ग्राम में इनका जन्म हुआ था, और इसीलिए यहाँ पे ये पूरा प्रांगण बनाया गया है, मंदिर बनाया गया है सिर्फ और सिर्फ भगवान महावीर को डेडिकेट करते हुए। हेलो दोस्तों, भगवान महावीर के जस्ट मंदिर के जस्ट बगल में ही जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर भगवान ऋषभदेव जी का भी मंदिर और मूर्ति यहाँ पे स्थापित किया गया है दोस्तों। ये देखिए, ये भगवान ऋषभदेव हैं, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर। इन्हें प्रणाम करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे और भी 2 मंदिर हैं, इन दोनों मंदिरों के अलावा हम बाकी मंदिरों में भी दर्शन करते हैं और आगे चलते हैं। बहुत ही सुंदर प्रांगण यहाँ का बनाया गया दोस्तों। देखो, हर तरफ
फूल वगैरह लगाया हुआ है, सजाया हुआ है बहुत ही अच्छे तरीके से। चलिए अंदर चलते हैं दोस्तों। यहीं पे भगवान महावीर का, महावीर के डेडिकेटेड एक म्यूज़ियम भी है जिसका टिकट सिर्फ से 20 रुपये है। तो आप 20 रुपये में भगवान महावीर के, महावीर जी के बारे में और भी जो चीज़ें हैं यहाँ पे रखी हुई हैं वो सबको आप देख सकते हैं। तो चलिए, हमने टिकट ले लिया है 20 रुपये का दोस्तों, अब हम म्यूज़ियम के अंदर चलते हैं। वो सब कहाँ है? बहुत ही सुंदर बना हुआ दोस्तों ये म्यूज़ियम, बाहर से देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है बिल्डिंग, अंदर जाके देखते हैं। चलिए, दोस्तों इन चीज़ों का असली महत्व वही बता सकता है जो इस धर्म को बहुत अच्छे से जानता हो। हम और आप बस इसे देख सकते हैं इन वस्तुओं को और समझने की कोशिश कर सकते हैं कि ये क्या है, मगर इसकी असली वैल्यू सिर्फ एक जैन धर्म को अच्छे से समझने वाला व्यक्ति ही आपको बता पाएगा और समझा पाएगा। चलिए दोस्तों, फर्स्ट फ्लोर पे जाके देखते हैं क्या क्या है। तीन भगवानों का मूर्ति एक साथ रखा हुआ है, ये देखिए, ये है भगवान चंद्र प्रभुनाथ, ये है भगवान शांतिनाथ और ये है भगवान पार्श्वनाथ। दोस्तों हमने एंट्री कर दी, सबसे पहले भगवान महावीर जी का जो मंदिर था वो विजिट किया, उसके बाद ये जो ऋषभ देव जी का मंदिर था वो विजिट किया और उसके बगल में ही नवग्रह शांति का जो मंदिर है अब वो विजिट करते हैं दोस्तों। चलिए देखते हैं।
धर्म के 9 तीर्थकारों का मूर्ति स्थापित है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 टोटल 9 तीर्थकारों का मूर्ति यहाँ पे लगाया गया है दोस्तों। ये देखिए नालंदा ये जो जिला है ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों के लिए ही बहुत ही वैल्यूबल बोल सकते हैं, बहुत ही हिस्ट्री जुड़ी हुई है यहाँ से बौद्ध धर्म के लिए भी और जैन धर्म के लिए भी। जहाँ भी हम घूमने जा रहे हैं दोस्तों नालंदा में, अगर हमें कुछ बौद्ध मंदिरें मिल रही हैं तो साथ ही साथ जैन मंदिरें मिल रही हैं, वो भी छोटी मोटी मंदिरें जिसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है बौद्ध धर्म में भी और साथ ही साथ जैन धर्म में भी। ऐसे मतलब बिहार का और नालंदा का हिस्ट्री आप देख रहे हैं, कितना सुंदर हिस्ट्री, कितना अच्छे तरह से इसमें सभी दोनों धर्मों का कितना अच्छा मेल है। दोस्तों अभी हम ये जो नया मंदिर था घूम के आ चुके हैं, अब इसके जस्ट बगल में जो मेन पुराना मंदिर था, जो एक्चुअल मंदिर है जन्मस्थली, हम वहाँ भी विजिट करते थे, चलिए चलते हैं। दोस्तों ये पुराना मंदिर है, यही एक्चुअल मेन मंदिर है, वो जो हमने देखा पहले वो तो नया मंदिर अभी बना रहा, मतलब बनाया जा रहा है जैन समाज की तरफ से। चलिए दोस्तों देखिए अभी ये सब भी मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन है, यहाँ भी डेवलपमेंट का काम जारी है। पीछे मंदिर आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमने दर्शन किए, अभी जो एक्चुअल जन्मस्थली है जहाँ पे उनका जन्म हुआ था, जो जो गुरु है वहाँ पे चलते हैं हम फटाफट से और विजिट करते हैं। यादगार
ऐसे तो हम ऐसे जय क्या बोलते हैं महावीर भगवान की जय जय महावीर भगवान की जय जय महावीर भगवान की जय 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 दोस्तों यहाँ पे मूर्ति बन रही है भगवान महावीर जी का और यहाँ पे चप्पल जूते उतारने बोले गए हैं तो हम यहीं पे चप्पल अपने उतार के फिर आगे चलते हैं। बहुत ही भव्य और सुंदर भगवान महावीर जी का यहाँ पे मूर्ति बन रही है दोस्तों, मंदिर बना रहे हैं जहाँ तक मुझे लग रहा है। बहुत ही विशाल ऐसा मूर्ति यहाँ पे स्थापन किया गया है, देख सकते हैं आप। यहाँ पे अभी इस परिसर में भी बहुत सारे डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं। आप अगर आज से एक साल बाद या दो साल बाद यहाँ पे आएंगे तो आपको यहाँ का नज़ारा कुछ और ही मिलेगा। देख सकते हैं यहाँ सामने भी सारे वो कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं। दोस्तों हमने ये पूरा प्रांगण पूरा मंदिर घूम लिया है। यहाँ पे ये पुराना मंदिर भी है और यहाँ पे जो गर्भगृह है जहाँ पे भगवान महावीर जी का जन्म हुआ था उसके भी हमने दर्शन कर लिए दोस्तों। अब वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और अपने घर की तरफ चलते हैं क्योंकि अब शाम का टाइम हो गया है और यहाँ से हमें लगभग 70 किलोमीटर और घर की तरफ जाना है दोस्तों। तो जल्दी से वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें दोस्तों, मुझे हेल्प होगी। और अपने दोस्तों को जो जिन्हें यहाँ पे आना है या फिर जो नहीं आ पा रहे उनको यहाँ का दर्शन लेना है दोस्तों, तो आप ज़रूर उनको शेयर करें। धन्यवाद।